माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दिन हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, हम समग्र जो भारतवासी हैं, एक काली दिवस के रूप में मनाते हैं। आज काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है कि सन 90 में इसी तारीख को, 19 जनवरी को जो कश्मीर में हमारा पंडित समाज था, या कश्मीर के अंदर जो समग्र हिंदू समाज था, उनको एक योजनाबद्ध तरीके से एक इस्लाम की स्थापना के लिए कश्मीर में गैर इस्लाम के जितने भी लोग थे उनको एक योजनाबद्ध तरीके से निकाला गया। और उस दौरान उनको निकालने में जिस प्रकार का नरसंहार हुआ कि 11 औरतें लड़कियां एक साथ बैठाल कर और करीबन 25-30 नौजवानों को एक साथ बैठाल कर उन्होंने गोलियों से उनको भून दिया गया। मंदिरें तोड़े गए योजनाबद्ध तरीके से और जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ वो हम मुँह से कहने में भी शर्माते हैं, इतना दर्दनाक उनके ऊपर अत्याचार हुआ। हर प्रकार का अत्याचार उन्होंने किया और उस समय पूरी घाटी उन्होंने, जो कश्मीर की घाटी थी, वो हिंदू विहीन कर दी। इस दर्द को लेकर आज इतने वर्ष हो गए, वो लोग बेचारे जम्मू में, दिल्ली में, हिंदुस्तान की तमाम जगहों पर अपने बच्चों को लेकर, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी ज़मीनों को छोड़कर, अपने खेत खलिहान बाग बगीचे जो उनके सेब के थे उनको छोड़कर वो दर दर भटक रहे हैं। आज इतने ही लोग खड़े हैं, इससे ही काफ़ी प्रसन्नता है, क्योंकि ये समाज कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं। इस समाज ने जे देखा है कि पड़ोसी का घर अगर लुट रहा है तो उसको इससे कोई मतलब नहीं रहा है, अगर उसे हंसने का भी मौका मिला है अपने पड़ोसी पर तो हंसा है वो कि इसका घर खूब लुटा है। पर आज काफ़ी एकाग्रता हिंदू समाज के अंदर भी आ रही है, काफ़ी एकाग्रता हम पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि जब सुलेमानी मारा जाता है तो हिंदुस्तान में आंदोलन होता है, जब सद्दाम हुसैन मारा जाता है तो हिंदुस्तान में आंदोलन होता है। हिंदुओं के लड़कों से केवल इतना कहना है हमारा, नौजवानों से, कि जब वो लोग ईरान और इराक के लोगों के लिए हिंदुस्तान में आंदोलन करते हैं, कोई कुरान की प्रतियां अगर ईरान में बेइज्जत होती हैं, इराक में, सीरिया में, तो वो हिंदुस्तान में आग लगाने की सोचते हैं, तो केवल हिंदू जो नौजवान हैं उनसे केवल इतना कहना कि इनसे तो इतना तो सीख लो, कम से कम अपने भाइयों के लिए, जो अपने हिंदू भाई हैं पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, हिंदुस्तान में प्रताड़ित हैं, हम इतना नहीं चाहते कि उन भाइयों के ऊपर हमारी तरफ से कोई अत्याचार हो, हम उनको भाई समझते हैं, लेकिन आप लोग इतना तो सोचिए कर हिंदू समाज की कोई बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो मैं ऐसा समझता हूँ तुम्हारे शरीर के अंदर खून है तो उसका विरोध जरूर करेगा, और तुम्हारे शरीर के अंदर पानी है तो आप नपुंसकों की तरह, निर्लज्जों की तरह उसका मजाक उड़ता, अपनी बहन बेटियों का, अपने समाज की, जो इस बात के लिए टारगेट की जा रही है कि जो हिंदू हैं, जो केवल हिंदू हैं, उन्होंने मुस्लिम बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं किए, इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि जो हिंदू हैं इनकी बहन बेटियों के ऊपर तो हम अत्याचार कर सकते हैं। इस प्रकार से कश्मीर के अंदर एक जो कि इस्लामिक स्थापना के लिए मदरसों में, चौराहों पर इस्लाम के झंडे, ISI के झंडे, ISI के झंडे उन्होंने पूरे कश्मीर के अंदर फहराने की कोशिश की। चल आप लोगों से इतना, अब ये बड़ी खुशी की बात है कि हम चाहे 50 की संख्या में इकट्ठे हुए, 20 की संख्या में इकट्ठे हुए, पर कम से कम आज हम चौराहे पर उन कश्मीरी भाइयों के लिए, हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं उन भाइयों के लिए इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कश्मीर से बढ़ते बढ़ते मेरठ में आ जाए, फिर अलीगढ़ में आ जाए, आज दिल्ली का शामीन बाग, शाहीन बाग, जामिया कॉलेज, JNU कॉलेज, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी बच्चे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये आग कहाँ तक जा रही है। एक दिन वो होगा जिसे आप हंसके ये सोच रहे हो कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित नहीं, यहाँ भी नहीं रहोगे। अगर उनकी इसी प्रकार की आतिशाही बढ़ती रही तो जगह जगह ग्वालियर, मुरैना, कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए आज इसका विरोध इसलिए खड़े करने के लिए हुए हैं
कि जो कश्मीरी पंडित हैं, आज ये सौभाग्य हमारा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं देश के अंदर, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री हैं। जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर धारा 370 से हाथ लगाया गया, 35 से हाथ लगाया गया, तो इस तिरंगे झंडे को कोई हाथ लगाने वाला नहीं बचेगा, कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा कश्मीर के अंदर। और उसी कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाई, अमित शाह जी ने 370 हटाई और एक गोली नहीं चली। जो धमकियां ये लोग देते हैं, जो बंदर घुड़की देते हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। इनकी बंदरों की घुड़की है, अगर इसका प्रतिकार करोगे तो ये इन लोगों की समझ में आएगी कि अब हमारी ये बंदर घुड़की ज़्यादा चलने वाली नहीं है। इसलिए आप सब जितने भी नौजवान हैं, अगर वहाँ पे किसी हिंदू भाई के संग अन्याय होता है, अगर किसी बहन हिंदू बहन बेटी के संग अन्याय होता है, तो आप में अगर कहीं भी जरा भी खून है, आपके अंदर कहीं भी शर्म बाकी है, तो आप उसका प्रतिकार करिए। जिस जगह से बैठे हो उस जगह से प्रतिकार करिए। लोगों की बातचीत हो उसमें प्रतिकार करिए कि हमने हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, किसी की ज़मीन को हड़पने कभी हिंदू नहीं गया है। हिंदुओं के बीच में चार चार घर मुसलमान भाइयों के रहते हैं और हम उनको चाचा ताऊ मामा आगे बड़ बड़ के बुला के पुकारते हैं, पर जहाँ जहाँ हिंदुओं के 4, 6, 8, 10 घर बस गए हैं, उनकी स्थिति जो हो गई है कि उनकी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना प्रतिवर्ष 1000 से लेकर 1400 बच्चियों का अपहरण होता है, उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और हमारे लोग अगर जो नौजवान हैं जो वैसे ही गप सड़ा के मारते हुए फिरते हैं सड़कों पे, वो उनके अगर दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये इतना बड़ा अन्याय है, इसका आज प्रतिकार नहीं किया तो सदियां तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। एक दौर तुम्हारा वो आएगा कि फिर एक बार इस देश का बंटवारा होगा और तुम लोग जो 1000 साल तक गुलाम रहे हिंदू हो, तुम फिर से गुलाम होगे, क्योंकि तुम्हारी फितरत में गुलामी। अंग्रेज़ों ने तुम पे 200 वर्ष गुलामी की, मुसलमानों तुम पे 800 वर्ष गुलामी की। उस इतिहास से अगर तुम कभी नहीं समझे, तो मैं समझता हूँ इतिहास पढ़ने के बाद भी नहीं समझे, इसका मतलब ये आप ऐसी मरी कौम हो जो कभी जग ही नहीं सकती, आप मरे हुए ही मिलोगे। आपको इसका प्रतिकार करना चाहिए। जो कश्मीरी पंडित भाई हैं जिन पर इसी तारीख को 19 जनवरी को घाटी छोड़कर बोल मस्जिदों से जो लगाई गई कि आप अपनी जवान बहन बेटियों को छोड़ जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ नहीं सब मार दिए जाओगे, आज उसके प्रतिकार का समय आया है। आपके मनमाफिक प्रधानमंत्री है, आपके मनमाफिक गृह मंत्री है। अगर इस पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप और शिवाजी राव जैसे इस व्यक्तित्व को अगर आपने सहयोग नहीं किया, तो पूरी की पूरी सदियां जो इतिहास आएगा, आपकी नपुंसकता, आपकी कायरता, आपके खून हुए पानी के लिए याद किया जाएगा। बस यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँ। मैं तो नौजवानों से यही कहता हूँ कि जहाँ भी हिंदुओं पर अन्याय हो, आप हिंदुओं के लिए हमेशा एकत्रित रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ तो हमारे हिंदुओं के हिस्से में आया, पाकिस्तान उधर के हिस्से में चला गया। ये पूरा की पूरा जो समग्र देश है बंटवारे के दौरान हमारे पक्ष में आया और इस देश में हम सुरक्षित रहें, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था सब नौजवानों को, पूरे देश के एक एक नागरिकों को करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना कहना और बहुत समझना है नौजवान भाइयों। एक है कि अगर किसी एक विशेष समुदाय के प्रति दो चार जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके प्रति अगर कोई घटना हो जाए तो आज उसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है, मॉब लिंचिंग का, जबकि असली मॉब लिंचिंग तो जब हुई थी सन 1990 में हुई थी कि हमने देखा कश्मीरी हिंदू को जो 5-5 लाख लोगों पर मॉब लिंचिंग हुई थी, उसका कोई मॉब लिंचिंग का नाम नहीं दिया जाता। आज 2-4 लोगों पर मॉब लिंचिंग होती है, उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को हम देखते रहें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।